सदर के खिलाफ स्विस हुकूमत को चिट्ठी लिखने के लिए वजीर आजम के पास सिर्फ 15 दिन। सदर जरदारी को एक ओहदा छोड़ने के लिए 5 सितंबर तक की मोहलत। इंतखाबी मुहिम पर 15 लाख से ज्यादा खर्च करने पर उम्मीदवार को 3 साल की कैद होगी। रैलियों और वॉल चौकिंग पर पाबंदी, ज़ाब्ता अख़लाक जारी। तवानाई बहरान के खिलाफ आवाम सड़कों पर, मुल्तान में गंजों का एहतजाज, फैसलाबाद में इमरान खान की क़यादत में रैली। कराची में जराइम पेशा अफराद के हमले, फायरिंग और बम हमले से 2 हलाक, टारगेट किलर समेत 5 गिरफ्तार। पंजाब में 10वें रोज भी मरीज इलाज को तरसते रहे, डॉक्टर्स को रहम ना आया, खादिम आला अपनी जिद पर कायम। अफगान दहशतगर्दों के हमलों पर जनरल कयानी का एसएफ से शदीद एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया में डूबने वाले पाकिस्तानियों की खैरियत ना मिलने पर अहले खाना परेशान, दफ्तर खारिजा कहना है कि सिर्फ 3 की शनाख्त हुई, बाकी का कुछ पता नहीं। जहां बारिश बरसी वहां मौसम खुशगवार, जहां नहीं बरसी वहां लोग बेजार, कराची वालों की समंदर पर मौजें। बल्लेबाज होशियार बाज, अब पड़ेंगे 1 ओवर में 2 बाउंसर, अंपायर के फैसले पर नजर सानी लाजमी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। और स्कूल से आजाद तो मस्ती जिंदाबाद, छुट्टियों में अपना हो या काला जी का घर, मौज जी भरकर। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा शहजाद और मैं हूं तारिक मतीन। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील जानेंगे इस ब्रेक के बाद।